दोस्तों, यह है काबुल यानी अफगानिस्तान का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर, जो कि काबुल रिवर से बाउंडेड है और स्थित है हिंदू कोश के बीचों बीच एक संकरी घाटी में। 1790 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काबुल सिटी दुनिया की हाईएस्ट एलिवेटेड कैपिटल सिटीज में से एक है। दोस्तों, काबुल अफगानिस्तान की एक डेवलपिंग सिटी है जो कि जानी जाती है अपने हिस्टोरिकल गार्डन्स, बाजार्स एंड पैलेसेस के लिए। इसीलिए तो काबुल सिटी को पैरिस ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर यह वीडियो है नेपाल की कैपिटल एंड सबसे बड़े शहर काठमांडू का, जो कि नेपाल के बगमती प्रोविंस के काठमांडू डिस्ट्रिक्ट की काठमांडू वैली में 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काठमांडू भी जाना जाता है अपने रिच कल्चर, हिस्ट्री, इमर्जिंग इकोनॉमी एंड टूरिज्म के लिए। तो आइए दोस्तों, कंपेयर करें तालिबानी कैपिटल काबुल को नेपाली कैपिटल काठमांडू के साथ में। तो इस वीडियो के सारे फैक्ट्स एंड स्कोर को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। एरिया कंपैरिजन, काबुल सिटी का टोटल एरिया 1028.24 किलोमीटर स्क्वायर के लैंड में फैला हुआ है, जबकि काठमांडू सिटी का टोटल एरिया 899 किलोमीटर स्क्वायर की लैंड में स्पेनिंग है। तो क्लियर है गाइस, काबुल सिटी काठमांडू के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है। तो एरिया का पहला पॉइंट जाएगा काबुल सिटी को एंड स्कोर होता है 10। आफ्टर दैट अगर बात की जाए पॉपुलेशन की, तो काबुल सिटी की टोटल पॉपुलेशन 45 लाख के अराउंड है एंड काबुल सिटी के हर एक किलोमीटर के दायरे में आपको 4376 पीपल देखने को मिलेंगे। काठमांडू सिटी की टोटल पॉपुलेशन 2023 में 29 लाख के समथिंग है और काठमांडू सिटी की पॉपुलेशन डेंसिटी 3225 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगेन पॉइंट मिलेगा काबुल सिटी को एंड स्कोर 20 होता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं रिलीजन एंड लैंग्वेज की। तो काबुल सिटी का मेजर रिलीजन है इस्लाम एंड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है दारी एंड पस्तो। हिंदुइज्म काठमांडू सिटी का मेजर रिलीजन है, जबकि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज नेपाली है। आइए दोस्तों, बात करते हैं दोनों सिटीज की कुछ फेमस टूरिस्ट साइट्स की। तो काबुल सिटी में आप बाबर टॉम, काबुल म्यूजियम, क्वारघा लेक, दारुल अमन पैलेस, नेशनल म्यूजियम ऑफ अफगानिस्तान, क्रिश्चियन सेमेटरी एंड बाबर गार्डन मॉस्क्यू को विजिट कर सकते हैं। जबकि काठमांडू सिटी की फेमस टूरिस्ट साइट्स में असन बाजार, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेपाल, लैंगटांग नेशनल पार्क, इंदिरा चौक, कस्टम मंडप एंड चंद्रगिरी केबल कार टॉप स्टेशन बेस्ट टूरिस्ट साइट्स हैं। आइए दोस्तों, एक नज़र इकोनॉमी पर भी डाल लेते हैं। तो काबुल सिटी की नॉमिनल जीडीपी नियरली $5 बिलियन की है, जो कि अफगानिस्तान में जीडीपी के दायरे से सबसे रिचेस्ट सिटी है। काठमांडू की नॉमिनल जीडीपी नियरली $9 बिलियन की है, जो कि नेपाल की सबसे रिचेस्ट सिटी है। अगर बात करें जीडीपी पर कैपिटा की, तो काबुल सिटी का जीडीपी पर कैपिटा $1,111 का है, जबकि काठमांडू का $3,103 का। तो यहां पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे काठमांडू सिटी को। आइए दोस्तों, कुछ दूसरे फैक्ट्स की बात भी कर लेते हैं। तो काबुल सिटी का लिटरेसी रेट जहां 45% एंड पॉवर्टी रेट 36% का है, वहीं काठमांडू सिटी का लिटरेसी रेट 75% एंड पॉवर्टी रेट ओनली 4% का है। तो यहां पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे काठमांडू सिटी को। इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए, तो काबुल सिटी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर्स की है, जबकि काठमांडू सिटी की 74 ईयर्स की। तो अगेन पॉइंट मिलेगा काठमांडू को। काबुल सिटी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.669 मीडियम लेवल का है, जबकि काठमांडू सिटी का 0.698 मीडियम लेवल का। तो यह पॉइंट फिर से काठमांडू सिटी को एंड स्कोर होता है 2 पॉइंट्स फॉर काबुल सिटी एंड 6 पॉइंट्स फॉर काठमांडू सिटी। आइए दोस्तों, इन दोनों सिटीज के कुछ फेमस फूड आइटम्स को भी देख लेते हैं। तो काबुल सिटी में आप औशाक, मसावा, बोराही कद्दू, अफगान मैंटू, मैंटी, जलेबी एंड काबुली पुलाव को ट्राई कर सकते हैं। जबकि काठमांडू सिटी के फेमस फूड आइटम्स में मोमोज, छटामरी, छोलिया, सेकुआ, थुप्पा, आलू चोप एंड सेल रोटी शामिल है। तो गाइज, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।